दुआ करें हमें खुबानी खाने को मिल जाए। तो आपने घबराना नहीं है, एक कप चाय और साथ में पराठे माशाल्लाह आ गए हैं, अभी नाश्ता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे। तो मकीन से आगे हम सफर करने जा रहे हैं सवाल की तरफ और इंशाल्लाह काफी मजा आने वाला है, तो आपने हमारे साथ रहना है और ब्लॉग को एंड तक देखना है। तो चलो चलते हैं सवाल की तरफ। गाइस, आप ये बादल देख रहे हैं, ये पहाड़ों से नीचे आए हुए हैं बादल। माशाल्लाह क्या नजारा है, माशाल्लाह सूरज निकल चुका है और सफर जारी है सवाल की तरफ। अभी तो सफ़र का आगाज़ ही हुआ था दोस्तों, के बाइक तो पंचर हो गई है, पंचर लग रही है एक बाइक की और दूसरी बाइक मिसिंग कर रही है। ये वाली बाइक हमारी मिसिंग कर रही है। माशाल्लाह बाइक सेट हो चुके हैं और गाइस तैयार हैं निकलने के लिए। आमर भाई स्टार्ट करें बाइक को जल्दी से, जाए जाए शवाल की तरफ। इंशाल्लाह मज़ा आएगा, मज़ा आने वाला है आगे। ठीक है चलें चलें। हाँ इंशाल्लाह। ये वाले आप पहाड़ देख रहे हैं सामने, इनके ऊपर से हमने जाना है और ये वीडियो में आपको बहुत ही छोटे नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये अगर कैमरे की आंख से ना देखा जाए, इंसानी आंख से ये काफ़ी बड़े नज़र आते हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा सफ़र है हमारा शवाल की तरफ। नहीं ये टूटेगा, नहीं टूटेगा, ऐसे नहीं टूटेगा। ये दोस्तों अखरोट है, ऊपर का छिलका है, ये सब्ज़ है, लेकिन नीचे इंशाल्लाह पका हुआ अखरोट मिलेगा। गाइस ये अखरोट हैं लेकिन अभी कच्चे हैं, ये पके हुए होंगे लेकिन ये कच्चे हैं, बिल्कुल खाने के नहीं हैं। जो आप अखरोट तोड़ के लाए हैं ना, वो बिल्कुल कच्चे हैं, खाने के नहीं हैं। तो पके ही नहीं, को पता नहीं लगता। माशाल्लाह कितना प्यारा। भाइयों हम तकरीबन एक घंटे से ज्यादा हो गया सफर कर रहे हैं और अभी तक तो आधा सफर भी कम्प्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि चढ़ाइयाँ बहुत ज्यादा है। यहाँ आप देख रहे हैं मेरे पीछे चढ़ाइयाँ बहुत ज्यादा है और आहिस्ता आहिस्ता से आ रहे हैं हम, मोड़ भी काफी ज्यादा है तो इसलिए टाइम लग रहा है। मैं जो कि चाहिए, बाकी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आना है तो आपके पास 125 होना चाहिए, हुंडा मोटरसाइकिल होना चाहिए। हुंडा मोटरसाइकिल अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप काफ़ी मुश्किल में फंस सकते हैं भाई। माशाल्लाह कितने प्यारे नज़ारे हैं, खूबसूरत खूबसूरत दरख्त हैं यहाँ पे। तुरती यहाँ से शुरू हो गई है शवाल की, माशाल्लाह। गाइस यहाँ पे हैकिंग हो रही है, पहाड़ पे चढ़ा जा रहा है, सांस फूल चुका है हमारा, कोई दोस्त ऊपर पहुँच चुके हैं और हम अब अभी जा रहे हैं। दोस्तों को भी दिखाओ ना। हाँ बहुत अच्छा मौसम है। हाँ मौसम काफ़ी अच्छा है, बहुत मुश्किल से बस मौसम काफ़ी अच्छा है, लेकिन देख रहे हैं असल में सांस नहीं रुक रहा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हाय हाय, वो देखें यहाँ हो गया ना, कोई दोस्त ऊपर पहुंच चुके हैं हमारे, फिटनेस भी बेहतरीन और हमारा यहाँ तक आते आते हुए सांस फूल चुका है।
यहाँ पे मेरे सब गाइस पिक्चरें लेने में मसरूफ हैं, कोई वीडियो बना रहा है, कोई यहाँ पे पिक्चर बना रहा है, क्योंकि जगह ही ऐसी है कि यहाँ पे पिक्चर लिए बगैर रहा नहीं जाता। कितनी खूबसूरत जगह है माशाल्लाह, क्या सीन है। ये हमारी बाइक ठहरी हुई है और सब ऊपर गए हुए हैं पिक्चरें लेने, वीडियो बनाने। माशाल्लाह नज़ारा चेक करें। जुबानी आ चुकी है इस इलाके में, जुबानी है, यही खा रहे हैं। वहाँ पे दिखाएं, दोस्त सब लगे हुए हैं खाने में मसरूफ हैं। बहुत बुरे हालात हैं। क्या चीज है ये भी छोटा है। गाइस फाइनली हमें पता चल चुका है कि खुबानी के दरख्त ये सामने हैं और हम अभी जा रहे हैं। बस दुआ करें हमें खुबानी खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा फिर तो। आप एक्साइटेड हैं खुबानी खाने के लिए? बहुत ज़्यादा, फ्री की चीज़ में कौन एक्साइटेड नहीं होता। हाँ ऐसी बात है। हाँ हाँ मेरे ख्याल में वो सामने नज़र आ रही है, खुबानी नज़र आ गई है भाई। आओ आओ आओ, आओ जल्दी आओ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों हमें खुबानी फाइनली मिल चुकी है, मज़े किया ये मज़े किया है। क्या बात है, काफ़ी खूबसूरत खुबानी लगी हुई है यहाँ पे, हमें मिल चुकी है। जोड़ मार बोलो। आए है खट्टी और कड़वी है। कड़वी है, ये कैसे हो सकता। काफ़ी खुबानी लगी हुई है दरख्त पर और ये कह रहे हैं कि कड़वी है। मैंने कहा कितनी दूर से आए हैं और खुबानी कड़वी है तो फिर तो मज़ा नहीं आया। ये दरख्त तो आप देख रहे हैं, ये वाला एक दो तीन चार पाँच, पाँच दरख्त यहाँ पे हैं और उस साइड में भी हैं, ये सब खुबानी के हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। एक हाथ लगी है फिर भी अच्छा है, कुछ तो हाथ लगा है।